क्या आप एक ऐसे बच्ची के बारे में जानते हो जो कि सिर्फ 5 साल की उम्र में बन गई थी माँ, और एक ऐसा आदमी जिसे कहा जाता है द रियल लाइफ ऑफ मोगली, और दुनिया का मात्र एक ऐसा स्थान जहाँ एक दिन में होते हैं 16 बार सनसेट और सनराइज। ऐसे ही कुछ कमाल के फैक्ट को आज के इस वीडियो में आप जानोगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के मिजोरम राज्य में एक गांव है जिसका नाम है बकरबांग। इस गांव में रहता है एक आदमी जिसका नाम है चियोना चाना। यह दुनिया के सबसे बड़े परिवार का हेड है। इस आदमी के पास 39 पत्नियां हैं, 94 बच्चे और 14 बहुएं, और उन बहुओं के लगभग 33 से भी ज़्यादा बच्चे हैं। इसके परिवार को दुनिया का सबसे बड़ा परिवार माना जाता है। ये 100 कमरों वाला 4 मंजिला घर में रहते हैं, और इनका कहना है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हूँ जो मुझे 39 पत्नियाँ मिली है। मेरे ख्याल से ऐसे ही लोगों की वजह से तो हमारे भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। सालू मारदा थिमक्का, जो कि कर्नाटक की रहने वाली थी, वैसे तो यह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब इनका शादी हुआ तो शादी के बाद इनका कोई बच्चा नहीं हुआ। इसके बाद ये और इनके पति बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए, लेकिन सालू मादा थिमक्का ने कुछ नया करने का डिसाइड लिया। इन्होंने लगभग 45 किलो के हाईवे के किनारे लगभग 385 से भी ज़्यादा बरगद के पेड़ को लगा डाला और इनकी अच्छे से देख रेख करने लगी। इसके अलावा इन्होंने 8000 से भी ज़्यादा अन्य पेड़ों को भी लगाया है। इनमें इनका पूरा साथ दिया इनके पति ने, और भारत सरकार के द्वारा सन 2019 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनके इस नेक काम के लिए आप क्या सोचते हैं? स्पेस स्टेशन को धरती का एक चक्कर लगाने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। यह पृथ्वी का एक दिन में लगभग 16 चक्कर लगा लेता है। अगर कोई साइंटिस्ट स्पेस स्टेशन पर काम कर रहा होगा तो वह एक दिन में लगभग 16 बार सनसेट और 16 बार सनराइज को देखेगा। है ना अमेजिंग? आप सब ने कार्टून वाले मोगली को तो देखा ही होगा, लेकिन भारत के उत्तर प्रदेश में है रियल लाइफ ऑफ मोगली। मोगली को जंगल में भेड़ियों ने पाल पोस कर बड़ा किया था। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में रहने वाले दीना सनीचर को भी भेड़ियों ने जंगल में पाल पोस कर बड़ा किया है। 1867 में कुछ शिकारियों ने इन्हें ढूंढ लिया और फिर एक अनाथालय में ले आए। इसका लाइफ इंसानों से एकदम अलग जानवरों के जैसा है। यह 4 पैरों से चलता है और कच्चा मांस खाता है। हालांकि इसे इंसानों के रहन सहन को सिखाया गया। दीना सनीचर का नाम को बदलकर द वुल्फ बॉय नाम रख दिया गया। 1933 में एक 5 साल की बच्ची जिसका नाम था लीना, उसके पेट में दर्द था और उसका पेट भी फूल रहा था। शुरू में तो लगा कि वह कोई ट्यूमर होगा, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि वह 7 महीने से प्रेग्नेंट है। लीना के माँ ने बताया जब वह 3 साल की थी तभी से उसे पीरियड्स होना स्टार्ट हो गया था और उसका शारीरिक अंग भी परिपक्व हो चुका था। और 14 मई 1939 को 5 साल की लीना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ये अपने खेलने कूदने की उम्र में ही माँ बन गई। इस प्रकार ये बहुत ही छोटी उम्र की माँ है। ऐसे ही रैंडम फैक्ट की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।